शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित हुई जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता सिरमौर से संपन्न रखने वाले लोक कलाकार पद्मश्री विद्यानंद सरायक ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। जिला के 16 सांस्कृतिक दलों ने दी विशुद्ध लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाषा विभाग द्वारा आयोजित करवाया गया कार्यक्रम। डीएलओ के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले लोक वादन पर नृत्य दलों को प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय मेलों में दी जाएगी प्राथमिकता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जिला स्तरीय लोक नृत्य एवं लोक वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिरमौर से संबंध रखने वाले लोक कलाकार पद्मश्री विद्यानंद सरायक द्वारा किया गया। उन्होंने मौजूद लोक कलाकारों से प्रदेश की विशुद्ध लोक संस्कृति को मौलिक रूप में जिंदा रखने व भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की भी अपील की। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सभी दल अपनी पारंपरिक पोशाकत वेशभूषा में नजर आए और यहां अन्य समारोह कार्यक्रमों अथवा मेलों की तरह कोट पैंट जीन अथवा वेस्टर्न ड्रेस में एक भी परफॉर्मर नहीं दिखा। जिला भाषा अधिकारी अनिल हाल्टा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में लोक संस्कृति व लोक विधाओं के संरक्षण करने वाले लोक कलाकारों को मंच देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोक कलाकारों अथवा सांस्कृतिक दलों को प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मेलों अथवा समारोह में भाषा विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा आज जिला स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता और जिला स्तरीय लोक वाद्यंत्र वादन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को करवाने के पीछे जो विभाग का मकसद है, सबसे पहला मकसद है कि विभाग से जुड़े जो भी पारंपरिक लोक विधाओं से जुड़े जो कलाकार हैं उनको मंच प्रदान करने का विभाग का मकसद है। और उसके बाद हमारा जो उद्देश्य है जिला के उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल का चयन करना, जिसमें जो उत्कृष्ट सांस्कृतिक दल जो चयनित होंगे वो जिला में और राज्य स्तर की जो लोक नृत्य प्रतियोगिता है उसमें भी भाग लेंगे। और इसके साथ साथ जो भी प्रदेश में और प्रदेश से बाहर जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसके लिए इन दलों का चयन किया जाएगा और इन दलों को प्रदेश और जिला की संस्कृति के प्रदर्शन करने के लिए वहां पर भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में आज अभी 16 सांस्कृतिक दलों ने जो अभी तक यहां पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 11 लोक नृत्य के दल है और 5 लोकवाद्य यंत्र दल भाग ले रहे हैं, जिसमें लगभग 250 के आसपास कलाकार भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में।